मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक सदर तहसील के सामने टिकोनिया पार्क अयोध्या में जिलाध्यक्ष अरविंद यादव व महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे की अध्यक्षता में पुरानी समस्याओं को लेकर एक मीटिंग कराई गई। पंचायत में कोई प्रशासनिक अधिकारी न आने की वजह से किसान यूनियन के लोग उग्र होकर सड़क पर उतर आए और टिकोनिया पार्क से निकलकर पैदल मार्च आंदोलन करते हुए कलेक्ट्रेट गेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दिया गया और मौके पर SDM ने आकर हमारी मांगों को सुना। हम लोगों ने 6 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा है। किसान नेता फरीद अहमद ने कहा कि अगर समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द न हुआ तो किसान यूनियन अराजनैतिक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किसान समस्याओं के मुद्दे जिले भर में पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड न बनाना, बंद पड़े इंडिया टुडे मार्क 2 का नल बंद होना, दूषित पानी देना, नगर निगम द्वारा सफाई न होना, कई सरकारी चक रोड पर अतिक्रमण खाली कराना, आंदोलनकारियों में आज सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ मांगे 5 मांगे हैं लगभग, और उस पर अभी तात्कालिक रूप से प्रयास करेंगे सभी समस्याएं सॉल्व हों। ठीक है, मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे हैं कुछ जिला पूर्ति अधिकारी को लेकर के हैं और कुछ छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे नलकूप की समस्या है और कुछ ये घरौनी दर्ज का है और कुछ ये जो आवास इनका गिर गया है एक लोगों का, उनकी मांग है कि कुछ उनको राहत मिले। आपकी तरफ से क्या आश्वासन है? आश्वासन है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी समस्याएं त्वरित गति से सॉल्व हों। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।